महाराष्ट्र में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सुबह सुबह लगभग 4:30 बजे सुबह झटके महसूस किए गए हैं और इसका केंद्र जो है वो हिंगोली महाराष्ट्र में था और तीव्रता 3.6 की थी। रविवार सुबह 4:30 बजे घटना हुई है, 3.6 तीव्रता का आज भूकंप आया है। और नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी NCS के अनुसार भूकंप का केंद्र महाराष्ट्र का हिंगोली जिला था। भूकंप जमीन के 5 किलोमीटर भीतर देखा गया है। भूकंप के इस झटके से अभी तक किसी तरह की कोई क्षति की सूचना नहीं है। इसके पहले 23 नवंबर को नासिक में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप सुबह 4:04 पर आया था और इसकी तीव्रता भी 3.6 थी। भूकंप का केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर भीतर था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी 15 नवंबर को भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.4 थी और भूकंप का केंद्र धरती से 5 किलोमीटर नीचे था। वहीं नए साल के दिन ही देश की राजधानी दिल्ली और आसपास इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.8 थी। इस भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर में था। भूकंप के केंद्र की गहराई जमीन के 5 किलोमीटर अंदर थी। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों में देश के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं।